क्या? अपने नीचे का होंठ आगे कर लेना, चेहरे पर लेप लगा भी हो तो क्या? तुम उसे चूम लोगी प्रिया, रत्नसेन को चूम लोगी अपने नीचे वाले होंठ से। कमबख्त रत्नसेन को चूम लोगी, तुम उसे चूम लेना, उसे चूम लेना नीचे वाले होंठ से। हल्दी से लिपा हुआ तुम्हारा पीला चेहरा और तुम्हारी पीली नाक उसके चेहरे को कभी नहीं छुएंगी। और होंठ पर तो हल्दी का लेश तक ना होगा, ना होगा, होगा। अंत हो जाएगा इसका, जितने शब्द बोल रहा है सीखे हुए हैं, इसके पंख कटे हुए हैं। तू पक्षी है, मैं मनुष्य। पानी में डूब रहा है, जो ढूंढ निकालेगा उसी का हो जाएगा। लगता है किसी का मोतियों का हार खो गया है, किसी का मोतियों का हार खो गया है।
स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, तुम्हारे प्रिय के मुख से यह वाक्य तक नहीं निकलता। स्मरण करो रत्नसेन। कौन? इधर मैं हूँ, ज्योतिषी तोता। आंखें फैला कर अंधियारी रात भरती है। अभी इसी समय तुम्हारी प्रिय अकेली विरासा नहीं पा रही। पिंजरा खोल दो रत्नसेन। नाम क्या है मेरे प्रिय का? आसान प्रश्न पूछ लिया बच्चे। कुरंगी। कुरंगी। तुझे मुख करवा दूंगा। खरीदने की जरूरत नहीं, पहलिया सो रहा है। पिंजरा खोल दो मित्र, काम आऊंगा। काम? हे राम, काम आना नहीं समझा? मुझे रहस्य मालूम है कुरंगी के महल ले चलूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? हीरामन। हीरामन? रत्नसेन, पेट नीचे की ओर ऐसा उतरा मानो किसी पत्ते पर चंदन का लेप हो। महीन बालों से बनी रोमावली नाभि से निकलकर ऊपर उठी, किंतु अचानक स्तनों के बीच रुक गई। नाभि कुंड बनारस है बेटे, अनेक डूबते देखे। कुंड से सीधे नीचे प्रसिद्ध अंधेरा है, वहां हिरणी का चंदन का पदचिन्ह बना है। रत्नसेन, देख क्या रहे हो? बच्चे नहीं समझे? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या समझे नहीं? मतलब क्यों ले जा रहे हो उसके पास? बदला लेना चाहता हूँ। वहां एक पागल रहता है, उससे दिखने में धार्मिक है लेकिन काम से अनजान। मोक्ष क्या होगा बेवकूफ का? दल आयो बसंत बादशा, मदन वजीर चातक चौबदार, अली तेरत फिरत दसो दिशाए। दल आयो बसंत बादल ऋतु दरसानी, सब बेलन फूलहनी, लख बिरन बिरहा सरसानी, कहत गुण सरस चऊ और धाय काम जस सैन, कटक दल आयो बसंत बादल। पिया पास नहीं। जो चल गई विरह में,
उसी का धुआं मुझे लगा है। इच्छा पूरी करो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। जिसे मनाने आई वो तो सो रहा है, कौन पूरी करेगा इच्छा? साचो पीर में पायो जाके देखत है दुख जाए हमारो सारो साचो पीर में पायो जाके देखत है दुख जाए हमारो सारो साचो पीर में पायो। तूने भीख लेना नहीं सीखा, सबनी सबीति मोरी गिन गिन तारे आवन कह गए अजहू न आए सबनी सबीति मोरी गिन गिन तारे आवन कह गए दीपक चंद्र ज्योत दीपक चंद्र ज्योत मलिन भई जाता हूँ कौन दूतियन बिरहा भाए प्यारे आवन कह गए आवन कह।
तो तुम जाए कैयो हरि पा आस तुम बिन कैसे फागुन मा आस ओ तो तुम जाए कैयो हरि तुम बिन कैसे फागुन मा आस ओ तो तुम जाए पेड़ जल रहे हैं तख्तों पर इधर उधर ज्वाला मलय चंदन पवन सी शीत है आश्चर्य शरीर जल रहा है लेकिन छाया तक नहीं दिखती तुम्हारी फिर शरीर कहाँ निश्चय अदृश्य हो चुके हो तुम तुम्हारा स्पर्श अब दूसरों को अदृश्य कर रहा है सभी अदृश्य हैं इसे मत भूलना प्रिय मैं अदृश्य हूँ संसार के लिए इस अनंत रात में
छिपा हूं, प्रिया की महल की ओर लौट रहा हूं। पक्षी की आवाज इतनी विभत्स, अदृश्य हूं, जिसे स्पर्श करूंगा अदृश्य हो जाएगा। अभी ढूंढ रहे हैं मुझे, नहीं जानते, सब देख सकता हूं। ओहो विदूषक ब्राह्मण, आधी रात का यहां तोरु ब्राह्मण, कौन है पुरुष? पुरुष ठीक पहचाना, कोई और मुझे देखकर ये नहीं कहता कि मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं मैं। मैं कमलनी नाम की दासी हूं। नगर में देखा है पहले इस ब्राह्मण को? ठीक ही तो है, ये यज्ञोपवीत, इसका अर्थ है ब्राह्मण। ये लाल लंगोट, ये मुझे भिक्षु बना देगा, श्रमण भी बन सकता हूं। सारे कपड़े उतार कर उतारो। हीरावन, वनिताओं के साथ गगन में घूमते रहते, पर्वतों पर खेलते। हम मंत्र जान लेने के बाद अपने प्रभाव से सब कुछ जान लेते। कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं। मैं ये मछली नहीं खा सकती। क्यों नहीं? तुम्हारे लिए खास बुना गया है इसे। सुनिए, मैं इस नर मछली को देख तक नहीं सकती, हाथ लगाना तो दूर रहा। ये मछली अचानक हंस क्यों पड़ी?